अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान चौहान। उम्मीद तो कहना तुम्हारी कहीं खैरियत ना लो सो। मैं अपनी जी वीडियोस वगैरह हैं नहीं, मैं उर्दू एक बड़े बड़े नाम आज मैं कोशिश की थी क्यों ना मैं सुराखी एक उर्दू पढ़ावा ताकि मेरे वसीम के लोग हैं, मेरे सुराखी बिरा जो फार्मर हैं वो ताकि गाल को आसानी ना समझ ही सकें, उनके अलावा वो अमल ही कर सकें, कोई ना कोई इन वीडियोस तो फायदा चाह सकें। अज तो जरा टॉपिक है वो तो मैं दस कि जल्द जानवर उठा करें दे हीट से आंदे या बुलें दे उनके क्या क्या अलामत हैं, आप में पता लग सी कि जी अपनी गां खड़ी है तई वो बुलें दी पई है वो हीट से हैं। पहले तो ये उसी जी होगा उसी वो अपना खान पीवन कम कर दे सी तब वो बेचैन जी नजर सी गां, अगर उनका दूजा बार है खीर लें दी पई है तो वो खीर देव भी अपना कम कर दे सी। अपने नाल जो जानवर खड़े उसे उन्होंने जम मारन की कोशिश करे सी। अक्सर ही जरा जानवर अगर खुले खुले सो भी सही तो कोशिश करे सी कि तुहाडे उत्ते भी जम मारे ना, जितनी भी जानवर खड़े सन उन्होंने चढ़न की कोशिश करे सी। उनके अलावा बहुत ज़्यादा रिंग सी आवाज़ा कटे सी वाला आपको महसूस सी कि सारा जानवर है ई वक्त हीट पे है ई वक्त उठ्या पे आप इनको टीका असा रखवा सकते हैं। बिया तो कुछ निशानियां दसा जरा सेत्रो सी वो सुरख की खड़ी हो सी बार बार ने पेशाब करना है सुरख के नाल सित के नाल जी जगह होंगी है वो थोड़ी बाहर कड़ी खड़ी हो सी यानी कि सित जी उस निशाबर हो सी वाजे तौर पर तक नज़र आम सी इतों महसूस सी जो थोड़ा जानवर है वो एक बार उठा होया तो सबको टीका रखा सकते हुए जल्द दांद वगैरह नाल गिनते हम सो वो उ जंप मरे सी माउंट करे सी उदो तो जल्द चढ़ सी तो तले गां है आराम न खड़ी रह रहे सी। ये क्या है सही तरीका है जानवर को इंसेमिनेट करवावण दा टीका रखवावण दा या वालों को दांद नाल इंसेमिनेट या दांद नाल तुसा नैचुरल ब्रीडिंग करें दे वे ये आसान तरीका है। जल्द तुसा देखो कि दांद उत्ते चढ़न की कोशिश करें तो गां एक जाते नहीं खड़ती पई का मतलब ये है कि या हीट शुरू कहनी थी या वो जरा हूँ उठा आई वो खत्म थी गए। चिले नैचुरल ब्रीडिंग थी वे या इंसेमिनेशन तुसा करवा कि नो तो मैं अमल चेक करने का आसान तरीका दसा कि अगर जानवर उनका दूजा वार है दूध देना पे तो तुसा दूध या दू या त्रै धारी गिन गिना है गिलास के अंदर पानी गिलास से पानी हो दू त्रै धारी पा रही है। अगर खीर तले तह वे तह न लग वे इनका मतलब है कि तुरा जानवर अमल थी गए, अगर वो मिक्स थी वे तो इनका मतलब है कि तुरा जानवर जरा है वो फिर भी अमल कह नहीं दिया। उम्मीद रखें तो वीडियो अच्छी लगी हो सी दुआ याद रखा है अपने जानवर का सत्कार निभाए। अल्लाह हाफिज़।